आपको स्मूथनेस इनेबल करनी है अपने स्मार्टफोन सैमसंग में 15 में, अगर आपका फोन है वो बहुत ही स्लो चल रही तो उसे आप फास्ट कैसे करते हैं, पूरा स्मूथ आपको कैसे करना है जिससे कि आप गेम खेलते हो या फिर BGMI जैसे हाई लेवल के आप गेम खेलते हो तो आपका स्मूथ चले डिस्प्ले, तो आप कैसे इनेबल कर सकते हैं हाई रिफ्रेश रेट अपने सैमसंग में 15 में, तो आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। फिलहाल ले जाता हूँ फोन डिस्प्ले पर, तो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर कीजिएगा ताकि आपको यहाँ पे इस तरह टिप्स एंड ट्रिक वाले वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहे। फिलहाल ले जाता हूँ अपने फोन डिस्प्ले, आपको सेटिंग्स वाले आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल किया जाएगा, आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा डिस्प्ले का, देख लीजिए यहाँ पे डिस्प्ले, तो सिंपली डिस्प्ले वाले पे ऑप्शन पे क्लिक कर देनी होगी। क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल किया जाएगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखा स्मूथनेस का, तो सिंपली स्मूथनेस पे क्लिक कर देनी होगी। स्मूथनेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हाई पर देख लीजिए और स्टैंडर्ड का देख लीजिए कितना आपको यहाँ पर डिफरेंस आपको नजर आने वाली है आपका, तो सिंपली क्या करना है आपको यहाँ पे हाई पे क्लिक कर देनी होगी। हाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 90 FPS को आप इनेबल कर सकते हैं, 90 रिफ्रेश रेट का आपको यहाँ पे इनेबल कर सकते हो, और यहाँ पे सिंपली आपको अप्लाई कर देनी होगी। अप्लाई करने के बाद आप देख लीजिए काफ़ी स्मूथ आपका डिस्प्ले चलने वाली है, तो ये सब काफ़ी सेटिंग्स आप कर सकते हैं। और भी आपको वीडियोस चाहिए टिप्स एंड ट्रिक वाला डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं, मैंने सारा का सारा यहाँ पे आपको डिस्प्ले इस वीडियोस में बना चुका, तो जाके आप देख लीजिए। तो आपको वीडियोज अच्छी लगी तो वीडियोज को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर कीजिएगा।